हमारे बाबू आने की खुशी में, प्रिया को जो है बाबू के होने की खुशी में शादी के हमें लव मैरिज के 5 साल बाद मेरे ससुर जी ने हमें एक्सेप्ट कर लिया है। लव मैरिज करना आसान तो है, होता नहीं है। लव मैरिज करना बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ा क्यूट सा बेबी है ना, एक छोटू सा लग रहा है कि अपनी मम्मी पापा के लिए ना ढेर सारी भंडार लाया, भंडार लेके आ रहा है। और फ्रेंड्स, आप लोगों के आशीर्वाद और दुआ की वजह से हमें ऐसे ऐसे मतलब खुशियां मिलता जा रहा है। और फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? तो फ्रेंड्स, सही में बता दूं, पहली बात तो गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? तो भाई, बहुत दिनों बाद मैं आ रहा हूँ ब्लॉग में। फ्रेंड्स, देखिए ब्लॉग में मैं आ तो रहा था, लेकिन आपको पता है जो मेरा कान है, थोड़ा सा कान में दिक्कत था और अभी भी दिक्कत है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा, जो हमसे प्यार करते हैं, प्लीज इस ब्लॉग को ना पूरा देखना और इस ब्लॉग को पूरा एंजॉयमेंट लेना। तो अभी देख लो प्रिया जी करके आ रही है, हम प्रिया भी हो रही है रेडी। रेडी क्यों? क्योंकि बनाना है अभी रील्स। दूसरी चीज ये फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में ना रील्स तो बनाना ही है। और हाँ, इस ब्लॉग में ना फ्रेंड्स, आपको सबसे बड़ा गुड न्यूज हमारे लाइफ का ना, सबसे बड़ा गुड न्यूज सिर्फ आप लोगों के बदौलत हुआ है और आप लोगों के वजह से हुआ है और आप लोगों के प्यार के वजह से हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं भाई, मेरे कान का भी अभी आप लोग सोच रहे हैं कि कान का दर्द ठीक हुआ कि नहीं हुआ, तो भाई मेरे कान में अभी भी पेन हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, जो यहाँ से पानी आ रहा था कान से, हल्का हल्का पानी आना बंद हुआ है, थोड़ा रेस्ट मिला है मुझे, तो अभी तो मैं थोड़ा ठीक हूँ। तो लेकिन ये वाला ब्लॉग ना कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग और ज़्यादा ही सरप्राइज ब्लॉग है, तो प्लीज़ यार इस ब्लॉग को पूरा देखना और पूरा एंजॉयमेंट करना। तो फ्रेंड्स, आपको चलते हैं पहली बात कहाँ लेकर के, अपनी प्यारी सी घरवाली के पास लेकर के। वाह, एक घरवाली तो दूसरी बाहर वाली। वाह, मैं पास आओ, मेरी पास थी हो, मेरी सूटर, मेरी नशा, मेरी घास थी हो, मनाली मनाली। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? तो सबसे पहले तो मैं नीचे उतर जाती हूँ। नीचे तो तुम यहाँ बैठ जाओ, यहाँ ज्यादा अच्छा लगेगा बैठ करके। रील्स तो मैं बाद में बनाऊंगी, अभी मैं तैयार भी नहीं। सही, पहले फ्रेंड्स रील्स बाद में बनाएंगे, सबसे बड़ी चीज आप लोग हमारे लिए आप हो, तो पहले हम आपको यहाँ पे देंगे। अब जिद छोड़ो बात लो मेरी मान, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। ओ भाई, आपको आई देने के लिए गुड न्यूज एंड सरप्राइज के साथ। भाई देखो, जैसे ही अभी सरप्राइज प्रिया को मिला ना, प्रिया बोली सबसे पहले कौन? हमारे फ्रेंड्स लोग, फ्रेंड्स हैं, क्योंकि आप लोग हमारे लिए भगवान हो। तो पहले बताएंगे आपको, और हमारे भगवान जो है वहाँ से देख रहे हैं आप सभी को, सबको बताएंगे हम। आप हमें बताने देंगे या फिर? बहुत जल्दी है प्रिया जी। तो तैयार होने का राज तो था रील्स बनाना, लेकिन इसी बहाने जो मतलब कि इंसान जिन्हें दिल से मानता है ना, पहले तो हम आपको बता देते, गुड न्यूज दे देते। तो फाइनली गुड न्यूज देने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दो फ्रेंड्स को, समझाओ भी तो सही। देखिए फ्रेंड्स, मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट थे नहीं थे, प्रिया घर वाले थे नहीं थे, क्या था? प्लस सारी डिटेल बता दो फ्रेंड्स लोगों को। आप सभी को पता था रक्षाबंधन था, मेरे भैया ने वीडियो कॉलिंग पे बात की, तो फाइनली हमारी फैमिली में से तो मेरे भैया मान गए, और मम्मी का पापा का तो पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे। और फ्रेंड्स, मेरे फैमिली में से आपको पता ही है कि मम्मी जी मान रखी थी और पापा नहीं मान रखे हैं। हाँ ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, लव मैरिज करना आसान तो है, होता नहीं है। लव मैरिज करना बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ी बात है। सर पे ना, जैसे कि सर पे हम ईंट रखते हैं ना, वो ईंट रखना जो दिहाड़ी करते हैं, ईंट रख के सर पे चढ़ाते हैं ऊपर, वही होता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारी फैमिली में भी एक लोग मान गए, जानू की फैमिली में भी एक लोग मान गए। सबसे बड़ा गुड न्यूज फ्रेंड्स, आप लोगों की पता ही था और अभी पता चली गया होगा, चली गया होगा। और लेकिन सबसे बड़ा तोहफा और गुड न्यूज क्या है? छोटू सा बेबी है ना, एक छोटू सा लग रहा है कि अपने मम्मी पापा के लिए ना ढेर सारी भंडार लाया, भंडार लेके आ रहा है। और फ्रेंड्स, आप लोगों के आशीर्वाद और दुआ की वजह से हमें ऐसे ऐसे मतलब खुशियां मिलता जा रहा है, और सरप्राइज वाला मतलब दिन आता जा रहा है हमारे लिए। तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स, हम आज 4-5 दिन जो भी हमको पेन और जानू भी बहुत दिक्कत में थे, तो फाइनली अभी भी दिक्कत में ही है। तो कोई हमारे घर का जो स्पेशल है, जो हमारे दिल के करीब है, जिन्हें जो हमारे लिए भगवान है, उन्होंने फाइनली हमें एक्सेप्ट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, हमारे बाबू आने की खुशी में प्रिया को जो है फ्रेंड्स फाइनली मेरे बाबू के होने की खुशी में शादी के हमें लव मैरिज के
अरे भाई गुड न्यूज है। तो भाई ये गुड न्यूज है। कान तो भाई दर्द हो रहा है, लेकिन कान अभी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जो हमारा बाबू है, बाबू के होने की खुशी में लव मैरिज के 5 साल बाद मेरे ससुर जी ने हमें एक्सेप्ट किया। मेरे नहीं, मेरे ससुर जी ने हमें एक्सेप्ट कर लिया। फाइनली सासू माँ भी एक्सेप्ट थी, ससुर जी भी एक्सेप्ट कर ही लिए। फाइनली जो हमारी फैमिली थी वो हो चुकी है पूरी। तो फ्रेंड्स बहुत जल्द हम ये छोड़ के हम जाने वाले हैं, अब कहाँ जाने वाले हैं? ससुर जी के घर, अपने ससुर जी, मतलब मैं अपने ससुर जी के घर जाऊंगी ना कि इनके, मैं अपने ससुर। तो आप मेरे ससुर जी तो भाई मुझे बुलाते ही नहीं कभी। तो फ्रेंड्स फाइनली आपको पता चल गया होगा, जो मेरे पापा जी हैं, मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी, उन्होंने देखिए इतने दिनों से ब्लॉग देख रहे थे, जानू प्रॉब्लम में थे, तो उन्होंने भाई अभी फ्रेंड्स मानोगे नहीं, मेरे अभी पैर बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी अपने दर्द को ना कंट्रोल करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। और बस फ्रेंड्स तक खुशी में ना इंसान बहुत कुछ जो पीछे दुख होता है ना वो इंसान भूल जाता है। तो बिल्कुल सेम चीज हमारे, मतलब खुशी आया हमारे जिंदगी में, तो हमने ना वो दुख को ना मतलब मात दे दिया, वो दुख हम भूल चुके हैं, बस अब खुशी का वेट कर रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो मेरे घर में कोई नहीं मान रहा था, मेरे भैया मान गए। उसके बाद देखिए हम लोग ऐसे ऐसे ब्लॉग डाल रहे थे और मेरा डिलीवरी का टाइम बहुत पास आ गया। तो आज कैसे ये बात हुई, कैसे मैं आपको वो ये सब ना पता चमत्कार है, और ये सब कुछ आप लोगों के बदौलत है, क्योंकि आप लोग हमें इतना प्यार का सपोर्ट देते हो। मेरा बाबू है, मेरा बाबू भी हमारे लिए बहुत लकी ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि इसके आते आते सारी फैमिली धीरे धीरे मानती आ रही। तो फ्रेंड बता दो आपको, तो पापा ब्लॉग लोग देखे होंगे, जान को भी प्रॉब्लम, मैं भी प्रॉब्लम में। तो पापा ने स्पेशली हमें सबसे बड़ी चीज ये कि आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले मैं कितना प्रॉब्लम में, कितना दुख में था, कभी पापा ने नहीं माना। हाँ, लेकिन आज पता नहीं कहाँ से दया आ गया। सारी बातें बताऊंगी एक मिनट। तो पापा ने हमें कॉल किया, पापा ने बोला पैसों वैसों की कोई जरूरत हो तो बताओ, पैसों की तो हमें बहुत। ब्लॉग में बने रहना और पूरा हाँ, देखना वीडियो, तब समझ में आएगी हाँ, प्रिया क्या क्या बोल रही है और पापा ने क्या क्या प्रिया को बोला है। हाँ, तो पापा ने मुझे बोला पैसों की कोई जरूरत हो, तो मैंने कहा कि, तो मैं मतलब शर्मा गई, मैं कुछ बोली नहीं उतना। फिर मैंने पापा ने बोला अगर पैसे की कोई जरूरत हो और हाँ कोई और भी जरूरत हो तो बताना। तो मैंने बोला फिर अपनी तरफ से कि पैसों की तो जरूरत भी है, और जो भी उन्हें प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा, ये भी बीमार रहते हैं और हमारी इस टाइम डिलीवरी होने वाली है। मैंने पापा को सारी बात बताई। देखिए फ्रेंड्स, पापा तो पापा होते, हर कोई चीज छुपाई नहीं जा सकती, पापा को सारी बातें पता है। तो पापा को ये भी पता लग गया कि बाबू हमारा जो भी 4-5 दिन मेरा बाबू भी हो जाएगा। तो मैंने कहा डिलीवरी के लिए हमारे पास पैसे ऐसे भी नहीं है। तो पापा ने बोला कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, तुम लोग ठीक से रहो, लेकिन तुम लोग जो गलती की है ना, तुम लोगों को उसकी सजा मिली है। तो सही बात। तो हम लोग वहाँ पे, आपने देखा बिहार में थे, तो पापा मतलब कि इस तरह किए, तो फ्रेंड इसलिए कि वो लोगों क्या? के भड़कावे में किए। लेकिन पता है क्या, मैं एक बार बताऊँ आपको, दिल से मैं बताऊँ तो जो मेरे दिल में बात चल रही है, और आप लोग भी अभी कमेंट्स यही करोगे ये वीडियो देखने के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद, कि रोहन भाई प्रिया आप ट्रस्ट मत करना। और पता है मेरे दिल से अंदर से ऐसा मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आगे हम मेरे साथ गलत ना हो, क्योंकि फ्रेंड देखिए दो बार, एक बार बिहार में भी हो चुका है, ठीक है, एक बार फिर हो चुका है, बिहार में भी हो चुका है, कितना हम लोग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेन बात ये कहाँ का हम लोग नहीं, नहीं वो मैं बता रही थी कि मेन बात होता है फ्रेंड्स ये कि जो हमारे घर में है ना लोग ना, जो फैमिली है ना, मतलब जो हमारी अदर फैमिली और भी है, वो ना जो पापा हो गए, मम्मी हो गए, सभी को ना भड़का देते हैं। इस कारण क्या पता है क्या, गांव के लोग हाँ, कैसे होते हैं, थोड़ा बुजुर्ग टाइप में होते हैं, जिनको जो थोड़ा ना, मेन बात पापा के ऊपर क्या वो आ जाती है, जो हमारे उधर के बुजुर्ग लोग हैं कहते हैं अगर तुम इनका साथ दोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो ऐसा हो जाएगा। कान बहुत मेरा हल्का हो गया वाला, चलो लग रहा है ठीक हो रहा है, चलो तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा बोलते फिर भारी हो। तो मैं ज्यादा बातों को ना बढ़ाते हुए मैं ये बोलूंगी कि फाइनली हमारे पापा जी, आई मीन मेरे ससुर जी मान गए मुझे अपने घर बुलाए। तो मैं सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो, मानो मेरी बात, प्रिया तो जाएगी अपने ससुर जी के घर। लेकिन मेरे ससुर जी तो भाई मेरे, तो फाइनली आप लोगों को खुशी मिली कि नहीं मिली, मेरा बाबू आते आते अब हमें लग रहा है इस झुग्गी झोपड़ी से कहीं अच्छे से आसियाना मिल जाएगा, अच्छा सा काश, जहाँ पे एसी लगा होगा और मैं होऊंगा, वाह वाह, और सिर्फ मेरा बच्चा होगा। ऐसा तो नहीं, सपना अपना हम लोगों ने देख लिया, पापा ने बोलना किया सपना, हकीकत है ना, बात तुमने किया ना भैया,
हकीकत ये है, नहीं तो जानू अभी तक हम दोनों सपने में खोए हो, लेकिन फ्रेंड्स हकीकत है ये मेरे पापा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को इस ब्लॉग में ना एक गुड न्यूज देना था, क्यों भाई देखो हम लोगों से ना और बहुत इतनी सी खुशी इतना टुकड़ा चांद का। तो भाई पता है क्या हम लोगों को ना मतलब अंदर फ्रेंड्स देखिए कुछ भी बात होती है ना तो मतलब हम लोग ना ज्यादा देर तक मतलब उस बात को रख नहीं पाते हैं, बस चाहते हैं कि कब हम लोग आप लोगों को तुरंत बता दें दे। और तुरंत कब वो चीज हमें खुशी मिल जाए। वो तो क्या जो है जोया कहाँ घूम रहा है, जोया मेरी जोया कहाँ रहेगी आजा। और हाँ पता है क्या फ्रेंड्स पापा को ना जोया बहुत पसंद है, पता है बहुत पसंद आई जो है। तो बस फ्रेंड्स आपको यही बोलेंगे, तभी मिलते हैं आप लोग थोड़ी देर बाद। बस फ्रेंड्स आपको यही एक बात और इम्पोर्टेंट बात यही थी, हाँ इम्पोर्टेंट बात तो यही थी और एक चीज और हाँ सुनिए फ्रेंड्स पापा ने इतना बोल दिया पैसे देने के सब कुछ, तो पापा घर तो बुलाएंगे ही ना, मैं तो अपना कुछ और दिमाग चला रही हूँ कि ऐसा बढ़िया पापा बुलाए, मैं तो बता नहीं सकती, आप लोग मेरी खुशी ना संभाल। फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बोलूंगा, बस आप लोग गॉड से प्रेयर करना, क्योंकि भाई देखो मेरे साथ बहुत ही बार हो चुका है, तो बस गॉड से प्रेयर करना कि आगे जो हमारी लाइफ आ रही है वो ज्यादा ज्यादा अच्छा हो और ज्यादा ज्यादा हम लोग आगे बढ़े। और फ्रेंड्स और आप लोग हमें प्लीज फ्रेंड्स ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि फ्रेंड देखिए जब खुशी आती है ना तो एक बाइक से बहुत सारा खुशी आती है। खुश है तू खुश है जोया, तो भाई पूरा घर में घूमता रहता है। और फ्रेंड जब दुखी आती है तो हर जगह से मतलब घर में मेरा बाबू जो है ना दुखी होता है, दादाजी के साथ रहेगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद, और गुड न्यूज ये था मैंने आपको गुड न्यूज बता दिया, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। रील्स बना कि नहीं आपका है? तो फ्रेंड्स प्रिया रील्स बनाने गई थी, लेकिन प्रिया को ना होने लग गया पेन, तो आधे घंटे कम से कम रोई, उसके बाद रोने के बाद देख लो मैं बोल रहा हूँ जब रेस्ट मिल जाता है कोई भी काम करो, रेस्ट मिलने के बाद करो तो चलता है। बोली नहीं कब बाबू हो जाएगा कुछ पता नहीं चलता, फिर हमारे घर का सफाई कौन करवा करके। तो फ्रेंड्स देख लो प्रिया अपने घर का भी सफाई कर दी है। फ्रेंड्स जैसे शॉर्ट और ड्रेस पहनते थे सब यहीं पर रखते थे, मैंने सोचा अभी मैं दर्द होगा मुझे तो लेकर हॉस्पिटल चले जाएंगे, फिर मैं वहां से मेरा एक कबाड़ा घर मिले। इसको हॉस्पिटल जाना जरूरी है, इसका जो घर में काम जो फैला है ना इसको ये जरूरी है, इसको ये नहीं पता कि चलो भाई वो बाद नहीं हो सकता काम, कौन करेगा, मैं आऊंगी तो आज काम करूंगी क्या। और बैठी जैसे कि लैपटॉप चला रही है। तो फ्रेंड्स अभी सारा प्रिया ना अपना सारा यहाँ सामान ले रहा, सारा कुछ सेट कर रही है, मैं सब इनको बता रही हूँ ये चीज यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, नहीं तो मैं रख के चली हूँ घर में आके दुर्दशा कर देना। कार्ड जो तुम्हारा कार्ड उसमें जाना है वो कार्ड सामान रख लो, और बाकी तुम्हारा क्यों फ्रेंड देख लीजिए अभी आपको पता है टाइम कुछ नहीं है हम लोग पास, मतलब बिल्कुल को बताऊँ बिल्कुल भी टाइम नहीं, कमर बाबू जी कोई टाइम नहीं है। प्रिया का 9 मंथ जो फ्रेंड्स पहले 2 दिन बचा है, 9 मंथ फ्रेंडली प्रिया का पूरा हो चुका है, अब कभी भी कोई टाइम टेबल इसका नहीं है, आपको खुद पता है कोई टाइम टेबल मतलब कोई टाइम टेबल नहीं है, तो भाई कब क्या हो जाए इसका कुछ नहीं पता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए जो भी है पहले से हम चौकन्ना रहेंगे, पहले से हम टारगेट बना कर रखेंगे। मेरा कान का पेन तो धीरे धीरे ठीक हो रहा है बस, हाँ। तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों से मिलते क्या था बाबू आज तक आ जाए। तो फ्रेंड्स फाइनली हो चुका है शाम का टाइम, और मौसम देखिए कैसा, पता नहीं कैसा मौसम हो रखा है, आज का मौसम एकदम अलग और मस्त वाला है। तो अभी हम कर रहे थे घर का काम, मुझे थोड़ा पेन आराम हो, पता है यानी फ्रेंड्स क्या होता है लास्ट मंथ चल रहा है ना, बच गए हैं 2-4-6 दिन, तो इसके कारण कभी भी हो सकता है, इसलिए मतलब डेट के हिसाब से जो है वो 5-6 दिन बच गए हैं, तो मैं वही आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। अब पता नहीं पहले होगा कि जब डेट पूरा होगा तब होगा, कि कब होगा भगवान ही जानता है, और मेरा बाबू ही जानता है वो कब आना चाहता है। तो फ्रेंड्स कर रही थी काम, और अभी सारे कपड़े वपड़े धुली थी ना, तो सारा फोल्ड वोल्ड करके रखी हूँ, और ये बैग है सारा कुछ सामान उसमें भरा हुआ रखा हुआ है, और इधर बेड वेड देख लीजिए कैसे, जानू अगर घर में अगर रहें तो यही सब करते पूरा गंद पाते हैं। तो इधर ये देख लीजिए आप लोग, ये हमने बैकग्राउंड बनाया था रील्स बनाने के लिए, रील्स तो तब से बना ही नहीं पाई फ्रेंड्स, कभी ये दिक्कत कभी वो दिक्कत, कभी ये परेशानी कभी वो परेशानी, और पता क्या अभी फिर भी परेशानी ही है। आपको दिखा दूँ मेरे फेस पे क्या हो गया है, देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए देख रहे आप लोग काले काले धब्बे जैसे चमड़े नहीं उतरते वैसा हो गया मेरे फेस पे। तो फ्रेंड्स ब्लॉग में बने रहिए, चलिए काम वाम कर लेते हैं सारा, ऐसे गंद पाया। और जानू हमारे कहाँ गए बता देते हैं, जानू गए हैं जोया को घुमाने के लिए थोड़ा बाहर खेत की तरफ इस साइड, तो मैं भी बाहर निकलूंगी नहीं, बाद में जाऊंगी और आपको बाहर का थोड़ा मौसम दिखा देती हूँ, कितना प्यारा मौसम है।
कैसा लग रहा है ये देखो आप लोग, ये देखो पूरा पीला पीला हो रखा है। और ये हमारी तुलसी माता, अंदर लाइट जला रखी हूँ। हमारी तुलसी माता देखिए कैसे टेढ़ी हो गई, बड़ी हो गई, टेढ़ी हो गई। उनको ऐसे सीधा होना चाहिए था नहीं। और इधर इतना प्यारा मौसम और लग रहा है, भगवान बारिश करा देना मेरी तो लॉटरी लग जाएगी। देखिए इतना सुहाना सा मौसम लग रहा है। और ये देखिए भगवान जी ने पूरा एकदम सूरज जो है ना डूब रहा है, जो ऊपर एकदम लाइटिंग लाइटिंग दिख रही है ना, वहाँ पे सूरज डूब रहा है ना, इसके कारण ऐसा लग रहा है। चलते हैं अंदर फ्रेंड्स। और ये देखिए हमारा सारा खाली खुली रखा हुआ है। हमारे यहाँ 5 से ज़्यादा बज गए, 6 साढ़े 6 बज गए, 7 बजने जा रहा, उजाला इतनी है। और अभी हमारे यहाँ पे पानी नहीं आया, ना आए ना आए, जिंदगी इंसान को जीना ही है। और बाहर का मौसम देखिए कैसा, ये लाइटिंग में ऐसा, लेकिन मेरा फेस बहुत ख़राब है। सच्ची बताऊँ फ्रेंड्स तो फेस बहुत ही ज़्यादा मेरा ख़राब हो रखा है। मैं कोई चीज़ लगाती हूँ, मैंने बिंदी लिपस्टिक लगाई है, लेकिन मैं फेस पे कहूँगी कोई क्रीम व्रीम तो वो मैं नहीं लगाई हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत जब से बेबी आया ना मेरे पेट में, तब से ही मेरे साथ यही प्रॉब्लम है। फेस मतलब 2-4 दिन हफ्ते दिन बीतता नहीं, ये पूरे चमड़े से उधड़ने वाला हो जाता, पूरा यहाँ यहाँ काला काला पड़े जैसे लगता है, पता नहीं क्या है मेरे फेस पे। तो फ्रेंड्स काम वाम कर ले, घर सेट कर ले, अभी जानू नहीं तो जानू, अगर आ गए तो फिर तो मेरा काम होने वाला है नहीं। अभी जो है उधर पत्थर पे घुमाने लगे, मैं दिखा देती लेकिन मैं बाहर नहीं जाना चाह रही हूँ, समझ सकते हो आप लोग को बताने हिंट दे देती हूँ। तो अभी मैं सेट वेट कर लूँ जानू गाने से पहले, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। देखो ये देखो भागते हुए आई है, सीधे घुस गई अंदर। वाह बात क्या ये क्या अंदर गई, अंदर वो बैठी सोफे के नीचे। अब देखो वहां से बड़ा बंदा आ रहा, बंदा सीधा उधर बुला रहा है, इधर भाग रहा है सीधा उधर। कहाँ गया था, जंगल में? अरे तो साइन रहा था, डर से बाहर निकल। उसको घुमाने के लिए ले गए और वो गंद पा दिया है। जोया बाहर निकला मेरा बेटा, निकल बाहर, बाहर निकल, बुलाओ आएगा। अब वो निकल नहीं सकता बाहर। तो फ्रेंड्स सेट करो, आपको दिखा रही थी कितनी तेज भाग के आई वो।